नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, साथ ही चुनावों के नतीजे भी अब सामने आ चुके हैं। इसके बाद अब जीती हुई पार्टियों के मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर अपने अपने राज्यों की सत्ता सौंप दी जाएगी। शपथ के बाद ही मंत्री पद संभालना संवैधानिक प्रक्रिया है। सांसद या विधायकों को भी शपथ लेनी होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी पद संभालने से पहले शपथ लेनी होती है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पद संभालने से पहले ली जाने वाली शपथ में क्या होता है, शपथ की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, क्या शपथ लेने का कोई प्रावधान भारत के संविधान में निहित है या नहीं, और साथ ही जानेंगे कि शपथ ग्रहण में ली जाने वाली शपथ का प्रारूप क्या होता है। पर उससे पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। आइए अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि चुनाव अभी विधानसभा के हुए हैं, तो बात मुख्यमंत्री की करते हैं। मुख्यमंत्रियों को शपथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही दिलाते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 के अनुसार किसी भी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में दिए गए नियमों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ का प्रारूप है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या फिर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं अमुक संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या फिर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसोचित या प्रकट नहीं करूंगा। आर्टिकल 164 से ये साफ होता है कि शपथ का सार एकदम पवित्र होता है और शपथ लेने वाले इंसान को इसे संविधान में दिए गए प्रारूप के मुताबिक ही पढ़ना होता है। अगर कोई शपथ लेते वक्त शपथ के प्रारूप से भटक जाता है तो ये राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वह शपथ लेने वाले मंत्री को रोककर उसे शपथ को सही तरीके से पढ़ने के लिए कहे। ये शपथ लेने के तुरंत बाद जिस मंत्री ने शपथ ली है उसे एक रजिस्टर पर सिग्नेचर करना होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसे राज्यपाल को संभाल कर रखना होता है। इसके बाद ये अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है और शपथ की प्रक्रिया यहीं पर खत्म हो जाती है। ये तो रही किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की बात। अब आइए जान लेते हैं कि बाकी चुनाव में कौन सा व्यक्ति किस मंत्री को शपथ दिलाता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि किसी भी मंत्री को चुनाव परिणाम आने के कितने दिनों के अंदर अपने शपथ लेनी होती है। सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की, तो इनको पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पद और गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के पद और गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस दिलाते हैं। वहीं राज्य मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। ये शपथ चुने हुए मंत्री को पुराने मंत्री के कार्यकाल खत्म होने से पहले पहले लेनी होती है, जिसके बाद वो नए मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू कर सकते हैं। फिलहाल शपथ ग्रहण को लेकर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।